हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं छिलके वाले आलू सूखे, जो कि लहसुनी और खट्टे होंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 5 बड़े आलू लंबे लंबे काट लिए हैं, छिलके के समेत धो के अच्छे से, और उनको पानी में रख दिया है अभी। उसके अलावा यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हमने बारीक काट ली हैं, और 10 कलियाँ हमने लहसुन की लंबी लंबी काट ली हैं। नमक स्वाद अनुसार 1.5 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है कश्मीरी, आधा चम्मच लाल मिर्च चिली फ्लेक्स है, 1.5 चम्मच अमचूर है, 1 चम्मच काली मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है। हमारे पास यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच बटर के निकालेंगे, 1 बड़ा चम्मच तेल निकालेंगे, और 1 चम्मच हमें इसमें से नींबू का रस चाहिए होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल डालते हैं हम पहले पैन में, और उसको ऑन करते हैं गैस को। ये हमने तेल डाल दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, और तेल के साथ साथ ही हम बटर डालेंगे 2 टेबलस्पून। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि तेल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बटर नहीं तो काला पड़ जाएगा, गैस पे सीधा डालेंगे तो, इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही बटर डाल के रख लिया है, तेल डाल के रख लिया है। अब हम इसमें बटर डाल रहे हैं निकाल के। ये हमारा 2 टेबलस्पून जितना बटर हो गया। अब हम इस बटर को पहले पिघलने देंगे अच्छे से, और पिघलने के बाद फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा बटर लगभग पिघल गया है, तो अब हम इसमें दोनों लहसुन डाल देंगे, लंबे कटे हुए भी और गोल कटे हुए भी, और इसको एक बार मिक्स करके फिर हम इसमें आलू डाल देंगे छान के। पानी निकाल लेंगे आलूओं का। धीरे धीरे से हम आलू डाल देंगे इसमें। मिक्स करेंगे अच्छे से। हम सेट कर देंगे थोड़ा मीडियम, और इसको हम इसको 10-12 मिनट तक पकने देंगे कम सेक पर ही। बीच बीच में आकर हम इसको चलाते रहेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आलू अभी ढंग से गले नहीं है, तो इसीलिए हम अब इसमें थोड़ा नमक भी डाल देंगे ताकि ये और ज्यादा जल्दी गल जाए, और थोड़ा ढककर पकाएंगे इसको। तो हमने नमक डाल दिया है, मिक्स कर लेते हैं आलूओं को, और फिर इसको ढक देते हैं, और दोबारा इसको 7-8 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, थोड़े लाइट ब्राउन भी हो जाने चाहिए आलू, इनमें अभी कलर भी नहीं आया है, और ना कलर आलू में आया है और ना लहसुन में आया है, तो इसीलिए हम इनको थोड़ा और भूनेंगे, और थोड़ा सा ढक के ही भूनेंगे ताकि भून भी जाए, लाइट ब्राउन भी हो जाए और जल्दी से गल भी जाए। तो हम इसे ढक रहे हैं, वापस ढक रहे हैं, और हम अभी 7-8 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं इसको आकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू और लहसुन हल्के हल्के से ब्राउन होने शुरू हो गए हैं अब बीच बीच में, तो अब हम इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे, तब तक आलू थोड़े और गल भी जाएंगे। तो 5 मिनट तक रुकते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि ये कितने पके, उसी हिसाब से फिर हम मसाले वगैरह डालेंगे इसमें। अब हम चेक करते हैं, 5-7 मिनट और हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं आलू कैसे बने। ये बहुत अच्छे से अब लाल होने लगे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं,
तो अब इनमें मसाले डालने का टाइम आ गया है। तो हम इसमें पहले लाल मिर्च दोनों फ्लेक्स और कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद हल्दी और फिर काली मिर्च डाल देंगे, आखिर में अमचूर भी डाल देंगे। पहले मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें अमचूर भी डाल देंगे, फैला के डाल दिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें नींबू डालेंगे हम, एक चम्मच नींबू का रस। और फिर अच्छे से मिक्स करके रखते हैं। जैसे गर्मियों में नींबू बड़ा बड़ा सूख जाता है, तो आमतौर पर हम नींबू का सारा नींबू लेके और उसका रस निकाल के ही एक बॉटल में स्टोर कर लेते हैं। उससे आपका रस वेस्ट भी नहीं होता और नींबू सूखते भी नहीं है, पहले से ही उनका रस सारा का सारा निकल जाता है और अच्छे से इस्तेमाल भी हो सकता है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा जैसे अभी हल्का सा पकना अभी भी रहता है, हल्का सा कच्चापन है, और वैसे भी मसाले मिक्स करने के लिए थोड़ा सा मसालों को इसके साथ रिझने के लिए गैस पर रखना जरूरी है। तो हम आधा एक मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट ढक के और पका लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ये आलू हमारे अब अच्छे से हो गए हैं, मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डाल के मिक्स करके तकरीबन आधा मिनट सिर्फ पकाएंगे और फिर हम इसको बोल में ट्रांसफर कर देंगे। ये मैंने बोल में ट्रांसफर कर दिए हैं आलू। थोड़ा सा और हरा धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए डाल दूंगी और इसको पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बनाकर देखिए घर में, कोई और मसाले मिक्स करना चाहे, कोई और सजेशन हो आपके पास जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए हमारा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।